की जय। भारत माता की जय। आजादी के अमृत महोत्सव पर डिजिटल प्रदर्शनी और सेमिनार के उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के निदेशक श्रीनिवास जी, जिनके नाम पर बहुत सारी उपलब्धियां हैं, केवड़िया की उपलब्धि भी आपके नाम पर है। और मैं सच बताऊं तो आज मैं श्रीनिवास जी से पूछ रहा था कि आज आपने मुझे बुलाने का निर्णय कैसे किया, तो आपके बीच में मैं आया हूं, तो उसके लिए मैं श्रीनिवास जी का धन्यवाद भी करता हूं। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन जी, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की संयुक्त निदेशिका श्रीमती राधिका रस्तोगी जी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के फैकल्टी मेंबर्स, भारतीय प्रशासनिक सेवा और रॉयल भूटान सिविल सर्विसेज के 2020 व 21 बैच के सभी प्रशिक्षु अधिकारीगण फेज वन और फेज टू, और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका, क्योंकि आप सब लोगों ने अभी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाना है और जब हम देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे समय में आप सब लोगों का प्रशिक्षण पूरा हो रहा है, और प्रशिक्षण पूरा होकर अगले आने वाले 25 वर्षों की जो देश की आधारशिला रखी जानी है, उस आधारशिला को धरातल पर उतारने का काम जिनके जिम्मे आने वाला है, जिनके कंधों पर आने वाला है, ऐसे सभी प्रशिक्षकों का मैं, सबका मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। बड़े हर्ष का विषय है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के साथ साथ अपने समृद्ध भारतीय संस्कृति की व्यापक स्तर पर प्रचारित व प्रसारित करने हेतु डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। आप सभी प्रशिक्षु बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव और मिशन कर्मयोगी के तहत आप सब लोग अपना काम शुरू करेंगे, और निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में जो समन्वय की जिम्मेदारी है, कोऑर्डिनेशन का काम है, वो आप सब लोगों के बीच में आने वाला है। प्रशिक्षु क्योंकि एक सेवा में आपका चयन हो गया है, उसके बाद आपका प्रशिक्षण होगा, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जो प्रशिक्षण है या शिक्षण है वो हमारा पूरे जीवन भर कभी समाप्त नहीं होता है। व्यक्ति जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस तक वो एक शिक्षार्थी रहता है, विद्यार्थी रहता है, और हम में से सभी लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं, और आप सब लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप जो हमारे देश की जो प्रमुख सेवा है, और ऐसी सेवा जिसके माध्यम से सेवा ही सेवा आपको करनी है, उस सेवा में आप सबका चयन हुआ है। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हम लोगों को कि हम इस सेवा में आ गए और हमने बहुत कुछ सीख लिया है, प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, अब इसके बाद श्रीनिवास जी कह रहे थे कि आप लोगों को सबको दिल्ली ले जाया जाएगा, पहले केवड़िया ले जाया जाएगा 3 दिन के, उसके बाद 3 महीने का जो आपका प्रशिक्षण होगा, शिक्षण होगा, वो दिल्ली में भी होगा। और बहुत बार हमको लगता है कि हमने इतना प्रशिक्षण ले लिया, इतना शिक्षण ले लिया,
अब हमें इसके बाद आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सीखने की कोई सीमा नहीं है, शिक्षार्थी बने रहने की कोई आयु नहीं है। जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक, एक वाक्य रामचरितमानस में भी है, गोविंद मोहन जी को अच्छी तरह जानते होंगे कि जब रावण जो है मृत्यु सैया पर थे तो भगवान राम कहते हैं उनसे, गणेश भाई आप सुस्त हो रहे हो, मैं आप लोगों को बोर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल आप लोगों की तरह जैसे आप लोग अभी शिक्षण कर रहे हैं हमारा भी शिक्षण ही चल रहा है, हम भी सीख रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में। और राजनीति के क्षेत्र में कई बार लोगों को लगता है कि हम प्रोफेसर बन गए हैं, तो मैं अपने आप को प्रोफेसर नहीं मानता हूं। मैं जैसे टेंथ और ट्वेल्थ का जो स्टूडेंट होता है ना, उसी की तरह अपने आप को समझता हूं और कोशिश करता हूं। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, तो सब लोग आप लोग नौजवान हैं। कुछ सालों पहले तक हम लोग भी जो है यही सोच रहे थे कि किस क्षेत्र में जाएंगे, पढ़ाई करते थे आप लोगों से कुछ साल और पहले। मैंने 2000 में जो है मैंने यूनिवर्सिटी को छोड़ा था, 99 तक मैं स्टूडेंट था, मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी, 10 सालों तक मैं वहां स्टूडेंट के रूप में, जो भी अभी हमारे संदेश जी यहां बता रहे थे वो जब मेरा पढ़ रहे थे, तो लास्ट की डिग्री मैंने जो है वो MHRM की करी थी, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैं सच बताऊं तो उसमें क्या होता है, जो आप लोगों का काम है या हम लोगों का काम है, सही में ह्यूमन रिसोर्स उसी में होता है, जिसमें कहते हैं रिक्रूट देम केयरफुली, रिटेन देम नाइसली एंड रिटायर देम ग्रेसफुली। तो मैं आपको कह रहा था कि रामायण का, तो जब रावण अपने अंतिम अवस्था में होते हैं तो भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ और कुछ शिक्षा प्राप्त करके आओ, इस तीनों लोगों में रावण से ज्यादा विद्वान कोई नहीं। तो लक्ष्मण जी जाते हैं उनके पास और जाकर सर के पास खड़े हो जाते हैं। आप लोगों में से स्मरण आ रहा है सब लोगों को, जिन लोगों ने रामायण देखी होगी या थोड़ा पढ़ा होगा तो उनकी समझ में आ जाएगा, क्यों माधव आपकी तो आ ही जाएगा तो बहुत कहने के बाद भी जो है रावण के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले, क्योंकि वो सर के ऊपर जाके खड़े हुए। वापस लौट के आए तो बोले कि भैया ऐसा लगता है कि रावण के मन में अभी भी पूर्वाग्रह है और वो मुझे कुछ सिखाना नहीं चाहता। तो भगवान राम ने कहा बेटा भैया, अगर किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो उसके प्रति पहले अपने मन में आदर का भाव, श्रद्धा का भाव लाओ और फिर से जाओ। जब वो दोबारा फिर से वहां गए तो फिर उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो इसी प्रकार से आप कोई शिक्षा देने के लिए यहां लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो केवल आप लोगों के साथ मिलने के लिए आया हूं। और बहुत दिनों से मेरी कल्पना थी, आज मैं पहली बार ही आ रहा हूं। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग आने वाले तारीख संस्कृति आई है, जिसको बोलते हैं नया वर्क कल्चर आया है। आप देखते होंगे पहले के क्षेत्र में जो पॉलिटिक्स में होते थे, इसमें होते थे, लोग उनको कहते थे कि जो है ये अगर 10 बजे का टाइम देंगे तो 11 बजे से पहले नहीं आएंगे,
और मैं शायद 5 मिनट लेट हुआ, कितना हुआ श्रीनिवासी, 3 मिनट लेट हुआ, और वो भी इसलिए हुआ कि मुझे आना था पहले यहां चौपर से, और वो आज मौसम खराब होने के कारण से आ नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि यह अवसर मैं गंवाना नहीं चाहता था, आप लोगों से मिलने का यह अवसर मैं गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं रोज से ही आपके बीच में आया था। अभी देश के अंदर जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके बारे में गोविंद मोहन जी कह रहे थे बहुत सारे काम, ये सच है कि बहुत सारे काम जो है हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की अपनी परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं, जिसको बोलते हैं कई बार पॉलिटिकल कमियां हैं या पॉलिटिकल मांग है, जरूरत है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि भारत का जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वो दुनिया के सबसे मजबूत प्रजातंत्रों में से एक है। और हम अभी गोविंद मोहन जी ये कह रहे थे कि कल्पना शक्ति, हमें कल्पना करनी आ गई थी, तो वो कल्पना भी अगर हम कर पाएंगे तो जब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा तभी हम ये कर पाएंगे, क्योंकि सच्चे लोकतंत्र में ही जो है क्योंकि इतनी आजादी है देश की। अगर अन्य देशों की हम बात करते हैं और हम अपने देश की तुलना करते हैं तो हमको अंतर साफ दिखाई देगा। ऐसे अनेकों अनेकों विषय आप सबके सामने इस पूरे उसमें आए होंगे। आज के अवसर पर जब देश की आजादी के हम 70 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, इसका उत्सव मना रहे हैं, अभी हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है, अभी किशन रेड्डी साहब मिले थे तो उन्होंने भी बताया, मुझे मैं गया था उनके कार्यालय में उसमें तो बता रहे थे। तो जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है, यह समय न केवल इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे वीर शहीदों को हम नमन करने का बल्कि उनके सपनों को साकार करने का भी है। आज के इस अवसर पर मैं देश के सभी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, जिन्होंने इसमें भाग लिया, उन सभी सेनानियों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी हमारे नाम की। उन सभी को नमन करते हुए हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके द्वारा किए हुए संघर्ष की हमेशा ऋणी रहेगी। आजादी का यह अमृत महोत्सव न केवल उनके द्वारा किए गए त्याग को पुनः स्मरण करने का अवसर है बल्कि उनके सपनों का भारत बनाने का भी अवसर है। और हमको ये संकल्प लेना चाहिए आजादी के इस अमृत महोत्सव में कि हम जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और विदेशी आतंकियों की गोली उनको न प्रवेश करे, उन्होंने अपनी कनपट्टी पर अपनी भी रिवाल्वर से अपने प्राणों को ले दिया, ऐसे वीर बलिदानियों के कारण से आज हम स्वतंत्र हैं। तो उनके सपनों के भारत बनाने का, उनके सपनों का सोचा हुआ देश बनाने का काम भी हमारे को एक संकल्प के रूप में इस आजादी के अमृत महोत्सव पर लेना चाहिए। यह अमृत काल आप जैसे जो बौद्धिक रूप से प्रखर युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि आप सब लोग इस दिशा में काम करें और बहुत ही समन्वय बनाते हुए, क्योंकि अब आप सीधे फील्ड में उतरने वाले हैं और आपका एक फैसला भी कई बार हमको लगता है कि बहुत सारी जैसे अब आप जाएंगे कोई पहले SDM बनेंगे, उसके बाद DM बनेंगे, आने वाले समय में कमिश्नर बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रदेशों में जो जहां जाएंगे तो आपके पास कितने प्रयास करने वाले लोग आएंगे। आज हम लोगों ने इसके लिए यहां पर उत्तराखंड के अंदर एक काम मैंने शुरू किया, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी, सामान्य आदमी, वो किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको हम कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि हम एक आज से ही शुरू कर दें। बहुत सारी चीजें हमको विरासत में मिली हुई हैं, जिस प्रकार से हमारे को हमारा कल्चर विरासत में मिला हुआ है, कुछ अच्छाइयां मिली हुई हैं, कुछ हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती हमको मिली हुई है, संविधान मिला हुआ है, उसके साथ साथ कुछ हमको और मिलने की जरूरत है और हम चाहते हैं जो हमको नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें से भी रास्ता निकालने का काम
सरलीकरण समाधान और विस्तारण एक मंत्र हमने यहां पर शुरू किया। जो हमारा कहते हैं देश काल परिस्थिति, उसके अनुसार कैसे निर्णय लेना है, उस समय में आपको बताने वाला कोई नहीं होगा, उस समय आप ही रास्ता निकालने वाले होंगे कि ऐसे कठिन समय में कैसे हम रास्ता निकाल सकते हैं। उस रास्ते को निकालने का ही आपका प्रशिक्षण है और भगवान को साक्षी मान के हमेशा काम करवा दिए, भगवान को साक्षी मान के, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा और मैंने स्वयं देखा है अपने साथ कई प्रकार की घटनाएं घटी होती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आप यहां पर अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करके जल्दी ही जो है फील्ड में जाने वाले हैं, या आप यहां प्रशिक्षण के लिए आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आपने सोचा होगा कि हम किसी और क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन आप इस क्षेत्र में आ गए। मैं भी बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था, पहले मैं सेना में जाना चाहता था, मैं सेना में जाना चाहता था क्योंकि मैं परिवार में अकेला था, तो मेरे पिताजी ने उस समय मुझे नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा नहीं तुमको घर की जिम्मेदारी दे दी। तो ऐसे आप सब लोगों के बारे में भी सब भगवान ने तय किया हुआ है कि कौन कहां जाएगा, कौन क्या करेगा, सब पूर्व निर्धारित है। और कई बार क्या लगता है हमको लगता है कि हमने बात अच्छी कर दी, जिसको बोलते हैं स्मार्ट टॉकिंग, बोलते क्या बोलते हैं श्रीनिवास जी, शैलेश जी क्या बोलते हैं उसको, बात अच्छी कर दी, और बात अच्छी करने के बाद हमको लगता है सामने वाले को हमने घुमा दिया। योगी जी आप सोच रहे होंगे मैं यहां पर कोई मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं तो इन्हीं की तरह स्टूडेंट के रूप में आया हूं। तो हम लोगों को लगता है कि हमने बहुत अच्छी अच्छी बात कर दी, उसको थोड़ा दूसरी भाषा में कहते हैं कि थोड़ा मन में आता है अरे यार बात करके जो है ना हमने पूरा का पूरा जो है उनको एक अच्छा सा महल बनाकर दे दिया। लेकिन हर व्यक्ति ये जानता है कि उसने क्या सही किया और क्या गलत किया, हर किसी को मालूम होता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो ऊपर से चलाने वाला है ना वो सबको चलाता है, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं होता है, एक कण भी अगर इधर से उधर होगा तो उसकी मर्जी के बिना नहीं होगा, और उसके यहां हमारा एक अकाउंट चालू होता है, उसके यहां अकाउंट बनता रहता है। आपने कोई अच्छा काम किया तो आपका अकाउंट उसमें बैलेंस बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा, अच्छे काम करते जाइए, क्योंकि आपको भगवान ने अवसर ही ऐसा दिया है, करते जाएंगे तो अकाउंट आपका बढ़ता जाएगा, और खराब काम होगा तो ये भी तय मानिए कि उस अकाउंट में वो क्या बोलते हैं क्रेडिट बोलते हैं डेबिट होता चला जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, व्यापार में काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बीमारियां, कहीं डायबिटीज है, कहीं ब्लड प्रेशर है, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हाथों में दर्द हो रहा है, किसी को पैरों में दर्द हो रहा है, बिस्तर में जाते हैं रात में नींद ही नहीं आती है। और आप जब आपका मन शांत होगा, आपने जब दिन भर ऐसे लोगों की सेवा करी होगी, ऐसे लोगों के लिए आपने काम किया होगा जिनके कारण से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया होगा, आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मन को आत्मिक शांति होगी। और जब आप रात में सोने के लिए जाएंगे तो आपको करवट नहीं लेनी पड़ेगी, आपको नींद आ जाएगी,
भगवान कृष्ण कहते हैं कि फल की अपेक्षा किए बिना ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ, इसमें यह भाव छिपा है। यदि आप फल की इच्छा को केंद्र में रखकर किसी कर्तव्य को करेंगे तो आप पर एक अलग प्रकार का दबाव बनेगा। अब आप लोग देखेंगे आगे चलकर, अभी तो क्योंकि प्रशिक्षण का ही काम चल रहा है, शिक्षण का काम चल रहा है, जब आपको डिसीजन लेने होंगे, जब आपको कुछ टारगेट मिलेंगे, उन टारगेटों पर काम करना होगा, आपको लक्ष्य प्राप्त करना होगा, तो उस समय कई प्रकार के दबाव भी आएंगे। लेकिन अच्छे मन से और सच्चे मन से किया हुआ काम कभी भी असफल नहीं होता है, बशर्ते कि आपकी नीयत अच्छी हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप किस लिए कर रहे हैं। तो मैं सच कह रहा हूं कि आप लोग अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहां पर आप सफलता को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और यह वही है कि बिना किसी फल की इच्छा किए बिना केवल काम करना है। और आप में से कई युवा मॉडर्न एज मैनेजमेंट भी पढ़कर आए होंगे, पर फिर भी मैं मैनेजमेंट पर, क्योंकि मैं भी इसका विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल शेयर करने के लिए आया हूं। मेरा मानना है कि किसी भी सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। हिंदी तो सभी समझ रहे होंगे श्रीनिवास, हिंदी तो सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते, कम लोग जानते होंगे, कुछ लोग जो है वो, लेकिन सीख तो सभी गए होंगे यार। देखिए दो, क्योंकि आप लोग लीडर बनने वाले हैं, आप सब लोग लीडर बनने वाले हैं, बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले, तो लीडरशिप के लिए जो जरूरी दो चीजें हैं वो है, एक तो नेतृत्व का कौशल यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, और दूसरा है मैनेजमेंट स्किल। इन दोनों का अगर हम आपस में ठीक प्रकार से समन्वय करेंगे तो जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, उन्होंने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो गीता के किसी पृष्ठ को आप खोल लीजिए, आपको अपनी समस्या का सभी हल उस गीता में से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे उन्होंने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महात्मियों के सामने, एक तरफ कौरवों की इतनी बड़ी सेना थी, बड़ी सेना, ज्यादा उनके पास अस्त्र शस्त्र, लेकिन उसके बावजूद भी पांडवों को उन्होंने विजय दिला दी। ये मैनेजमेंट था, भगवान श्री कृष्ण की जो लीला थी उसमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट है। अगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर मैनेजमेंट गुरु किसी को कहा जा सकता है तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को कहा जा सकता है। इसी प्रकार से आदिदेव भगवान शिव भी जो मैनेजमेंट के मास्टर हैं, उनका ये रूप भी हमें उनके परिवार में नजर आता है, जिसमें विभिन्नता में एकता। जैसे देखिए शिव जी के गले में सर्प लिपटे होते हैं, सर्पों की कंठ की माला होती है, उनके पुत्र कार्तिकेय का जो वाहन है मयूर है, और सर्प का स्वभाव और मयूर दोनों का एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। मयूर और सर्प एक दूसरे को जो है बिल्कुल अपोजिट स्वभाव के, लेकिन शिव परिवार में दोनों के दोनों एक साथ हैं। और इसी प्रकार से भगवान शंकर के प्रलोभन नाग का डेरा है, उनके पुत्र गणेश की सवारी का जो है वो मूसक की सवारी कर, यहां भी विरोधाभास है और उसके बाद भी आत्मीयता है। परिवार ये सिखाता है कि हमारे पास विपरीत विचारधाराओं, विसंगतियों, असमानताओं के होते भी यदि आपकी लीडरशिप मजबूत है
तो आप इन सब पर पार पाओगे और सब कुछ सुगम हो सकता है। यही सीख हमें रामायण से भी मिलती है। भगवान राम का ही एक लीडरशिप, उनकी लीडरशिप थी जिसमें उन्होंने बादल सेना के बल पर समुद्र पर जो है क्या राम सेतु बना दिया। बड़े बड़े जो बानर थे हमारे, नल, नील, अंगद, हनुमान, सबको जो है इंजीनियर बना दिया और इंजीनियर बना के उन्होंने राम सेतु का निर्माण कर दिया, जिसका हमारा कल्चर भी लगातार उल्लेख करता है। महाबली हनुमान जी का रण कौशल था, उनके द्वारा अपनी शक्तियों के अनुसार सूक्ष्म रूप से और कभी विकराल रूप से धरकर उन्होंने प्रदर्शित किया। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हम अपनी जो सनातन संस्कृति है और भारत की पुरातन पद्धतियां, उन दोनों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने सुलझाया ना। विदुर से लेकर चाणक्य नीति में एक एक सूत्र, हमारे सारे प्रश्नों का उनका उत्तर छुपा हुआ है। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आप सब भारत के भविष्य हैं। आप जिन क्षेत्रों में जाओगे उन क्षेत्रों में आपकी लीडरशिप मजबूत हो, आपकी लीडरशिप का लोहा बने, लोगों को उसमें सेवा भाव दिखाई दे, लोगों को उसमें अपनी जरूरत जो उनको उस समय में हो उस जरूरत का निदान आपके हाथों से हो और आप अपना ये जीवन भी सफल करें और आने वाले सारे जीवन आपके सफल हो, मैं यही शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का